नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मुरादाबाद में पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। मंच से मोदी ने कहा, जनधन में जमा पैसा अब गरीबों का, गैर कानूनी तरीके से पैसा जमा कराने वाले जाएंगे जेल। नोटबंदी के विरोध पर बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। बीजेपी ने सीएम पर लगाया घटिया राजनीति करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, घाटी की मौजूदा स्थिति के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार नहीं, केंद्रीय मंत्रियों के बयान भी हैं जिम्मेदार। अस्पताल से संभाल रही हैं सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय। दिल्ली में अमेरिकी मूल की महिला के साथ हुए रेप मामले का लिया संज्ञान। सुषमा ने ट्वीट कर पीड़िता को इंसाफ दिलाने का दिया आश्वासन। अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस शुरू। कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खतरे को लेकर होगी चर्चा। 14 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 17 सहयोगी देशों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। और बिग बॉस प्रतिभागी स्वामी ओम को दिल्ली की साकेत कोर्ट से राहत। आज कोर्ट में पेशी के बाद रद्द हुआ गैर जमानती वारंट। स्वामी पर चोरी करने का है आरोप। बिग बॉस की टीम के साथ साकेत कोर्ट पहुंचे थे स्वामी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।